दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13,000 रुपए से कम में आने वाले सबसे बेस्ट टैबलेट के बारे में और उसका नाम है हुआवे मीडिया पैड T5 जो लॉन्च हो चुका है इंडिया में कुछ बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में। और आज इस वीडियो में हम आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी क्वालिटी टेक्निकल वीडियोज़ हम रोज़ लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टैबलेट के डिस्प्ले के साथ में। इसमें आपको मिलता है 10.1 इंच का LCD पैनल जो आता है फुल HD रेजोल्यूशन पे, जिसकी आउटडोर ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और अराउंड 650 निट्स की इसमें ब्राइटनेस है। इसका कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले 10.1 इंच होने के कारण इसमें आपको जो मूवीज़ देखने में मज़ा आएगा वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें आपको रीडिंग पर्पज़ में या गेमिंग करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी अच्छी है। हुआवे अपने फ़ोन्स में और टैबलेट्स में जो पैनल यूज करता है उसकी क्वालिटी हमेशा से अच्छी रहती है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के मामले में भी इन्होंने कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है और इसमें आपको मिलता है किरीन का 659 हाई सिलिकन प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर है और गेमिंग के मामले में आपको आराम से पबजी भी खेल सकते हैं। इसमें आप मीडियम ग्राफिक्स पे, हाई ग्राफिक्स पे आपको ज़रूर लैग देखने को मिलेगा पर मीडियम ग्राफिक्स पे काफ़ी स्मूथ चल जाता है और छोटे मोटे गेम्स तो आप खेल ही सकते हैं। अगर बात करें इसके कैमराज की तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ सिंगल सिंगल कैमरा मिलता है और पीछे की तरफ यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और आगे की तरफ 2 मेगापिक्सल का, जहाँ पर हुआवे ने डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करी है और सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जिनकी पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी एवरेज है तो इसे आप कैमरा पर्पज से तो नहीं ले सकते। और आगे का फ्रंट कैमरा भी सिर्फ वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा है पर उतनी क्लियर सेल्फीज़ नहीं लेकर देता है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले के मामले में भी काफ़ी अच्छा है और पूरे दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से दे देगा। इसमें आपको 5100 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से इसमें आपको एक दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा पर कंप्लीट डे आपका निकाल देगा। 10 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है इन द बॉक्स। अगर बात करें इसके कुछ मिसलेनियस फीचर्स की तो इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट देते हैं और मैंने जैसा आपको बताया कि मीडिया कंजम्पशन में डिस्प्ले और स्पीकर दोनों ही काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसमें आपको 3 GB और 32 GB का मेमोरी कॉम्बिनेशन मिलता है और 13,000 रुपये से कम में सिर्फ वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 15,000 से ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको LTE का ऑप्शन भी मिलता है। इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, प्लास्टिक बॉडी मिलती है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ही स्लिम टैबलेट मिलता है, बहुत ही बड़ा टैबलेट मिलता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 पर आता है और इसमें आपको जो प्राइस मिलती है वो 12,999 रुपये की मिलती है amazon.in पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जो टैबलेट के लिए देख रहे हैं और बने रहें अगले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।